बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पिछले लेक्चर में हमने इंटरनेट के सबसे बड़े फीचर वर्ल्ड वाइड वेब की डिटेल्स आपको प्रोवाइड की थी। आज के लेक्चर में हम इंटरनेट के दूसरे बड़े फीचर ईमेलिंग सिस्टम से आपको मुतारिफ करवाएंगे। तो दोस्तों, ईमेलिंग सिस्टम होता क्या है? ये एक प्रोसेस है मैसेजेस को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भेजने का ओवर द इंटरनेट, यानी इंटरनेट के जरिए। अगर आप मैसेजेस को सेंड कर रहे हैं फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर, तो ये किसके थ्रू होगा? ये होगा आपके ईमेलिंग सिस्टम के थ्रू। लेकिन दोस्तों, हमें इस ईमेलिंग सिस्टम की जरूरत क्यों पेश है? तो डियर फ्रेंड्स, पहले हम एक मुल्क से दूसरे मुल्क या एक शहर से दूसरे शहर रابطे कायम करने के लिए खतों का इस्तेमाल करते थे, लेकिन उन खतों को पहुंचने में कई कई दिन लग जाते थे और आपको और जिसको आपने खत भेजा है उसको बहुत ज्यादा इंतजार करना पड़ता था। तो इसीलिए बनाया गया ईमेल सिस्टम। और ईमेल का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक मेल, यानी ये इलेक्ट्रॉनिक वर्जन है खतों को एक जगह से दूसरी जगह भेजने का। तो दोस्तों, खतों को लिखने के लिए आप कागज और पेन का इस्तेमाल करते थे, जबकि ईमेल्स को लिखने के लिए हम कीबोर्ड और कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। और ईमेल्स को पोस्टमैन के बजाय इंटरनेट के जरिए एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है। दोस्तों, विच मीन्स के ईमेल एक इस तरह का प्रोसेस है जिसके जरिए आप दुनिया में कहीं भी मौजूद शख्स को मैसेजेस सेंड कर सकते हैं और मैसेजेस को रिसीव भी कर सकते हैं। यानी ये दुनिया की पहली इंटरनेट एप्लीकेशन है जिसके जरिए आप दूर दराज बैठे शख्स से रवाबित कायम कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, फेसबुक, ट्विटर, मैसेंजर वगैरह भी मैसेजेस को सेंड करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। लेकिन ईमेल की खासियत ये है कि ये इन तमाम एप्लीकेशन से एक तो सबसे पहले आई, सबसे पहले डेवलप की गई। दूसरी चीज ये कि ये आमतौर पर बिजनेसेस और बड़ी बड़ी कंपनीज आपस में कम्युनिकेशन करने के लिए ईमेलिंग सिस्टम को ही यूज करती हैं, क्योंकि ये सबसे ज्यादा तेज तरीन तरीकेकार है मैसेजेस को सेंड करने का। दोस्तों, इसमें ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 सेकंड में मैसेज रिसीवर को मिल जाते हैं। अब रिसीवर चाहे सेंडर की बिल्डिंग में मौजूद हो या दुनिया के किसी भी कोने में मौजूद हो, दोनों जगह पर ईमेल उतनी ही तेजी के साथ पहुंचेगी। मीन्स फिजिकल लोकेशन, डिस्टेंस और ज्योग्राफिकल बैरियर ईमेल्स की स्पीड को अफेक्ट नहीं करता। और दोस्तों, इसका दूसरा बड़ा फायदा ये है कि इट लीव्स अ रिटन रिकॉर्ड, यानी चाहे कितने ही सालों पहले आपके पास ईमेल आई हो, उसकी कॉपी आपके पास हमेशा मौजूद रहेगी। जब तक कि आप उसको खुद डिलीट नहीं कर देंगे, तब तक वो खुद से रिमूव नहीं होगी। तो दोस्तों, इससे हमें ये पता लगा कि ये एक रिटन रिकॉर्ड के तौर पर आपके पास हमेशा मौजूद रहती है। अब डियर फ्रेंड्स, ये तो था ईमेल का एक इंट्रोडक्शन। अब ये ईमेलिंग सिस्टम काम कैसे करता है, कैसे आपकी आपका एक मैसेज किसी और के पास, किसी और कंट्री में मौजूद शख्स के पास पहुंचे? दोस्तों, इसकी मिसाल आप ऐसे ले लें कि एक जिस तरह इंटरनेट पर कुछ सर्च करने के लिए हम वेब ब्राउजर्स का इस्तेमाल करते हैं, यानी वेब ब्राउजर्स का होना जरूरी है अगर आप इंटरनेट पर कुछ भी सर्च करना चाहते हैं, बिल्कुल ऐसे ही किसी भी ईमेल को क्रिएट, सेंड या फिर रिसीव करने के लिए आपका ईमेल अकाउंट होना जरूरी है। तो आपको सबसे पहले ईमेल अकाउंट बनाना है। तो दोस्तों, जैसे ही आप अपना ईमेल अकाउंट बनाते हैं, तो उस अकाउंट से आपको एक एड्रेस मिलता है और वो एड्रेस जाकर स्टोर हो जाता है ईमेल सर्वर में। और यहाँ वो एड्रेस, यानी ये जो एड्रेस आपको मिला है, यही आपकी हर जगह पर नुमाइंदगी करेगा जहां भी आप अपना मैसेज सेंड या फिर रिसीव करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप जीमेल पर एक अकाउंट बनाते हैं, तो अकाउंट बनाते वक्त, यानी अकाउंट बनाने पर आपको एक जीमेल एड्रेस मिलेगा इस तरह का। और आपका वो जीमेल एड्रेस और दुनिया में जितने भी लोगों का जीमेल पर अकाउंट बनाया हुआ है, तमाम लोगों के एड्रेस स्टोर होंगे उस जीमेल के सर्वर में। यानी जो सर्वर होता है किसी भी वेबसाइट का, उसमें तमाम लोगों के अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। अगर लाखों लोग हैं जिन्होंने उस जीमेल्स पर अकाउंट बनाया हुआ है, तो दोस्तों वो तमाम लाखों लोगों की जो इंफॉर्मेशन होगी और उनके जीमेल एड्रेसेस होंगे, वो तमाम एड्रेसेस स्टोर होंगे उस जीमेल के सर्वर पर। अब जैसे ही आप किसी जीमेल के अकाउंट पर अगर ईमेल भेजना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपका जीमेल का अकाउंट है और आपका जो फ्रेंड है उसका भी जीमेल का अकाउंट है, तो अगर आप उसको जीमेल के अकाउंट पर ही कोई मेल भेजना चाहते हैं, कोई मैसेज करना चाहते हैं, तो आप पहले मैसेज लिखेंगे, देन रिसीवर का ईमेल एड्रेस लिखेंगे इस तरीके का, और उसके बाद आप सेंड कर देंगे। अब दोस्तों, होगा क्या
वो ईमेल एड्रेस, फॉर एग्जाम्पल आप अपने इस दोस्त को ईमेल भेजना चाहते हैं और इसका भी जीमेल पर अकाउंट है और आपका भी जीमेल पर अकाउंट है, तो दोस्तों जैसे ही आप वो मैसेज सेंड करेंगे तो वो मैसेज सबसे पहले इस जीमेल के सर्वर पर जाएगा। अब जीमेल का सर्वर अपने पास मौजूद तमाम एड्रेसेस में से इस रिसीवर के एड्रेस को तलाश करेगा, तलाश करने के बाद उस ईमेल को भेज देगा उस रिसीवर के एड्रेस पर, यानी इसके एड्रेस पर। तो दोस्तों यहाँ पर इसके पास क्योंकि तमाम एड्रेसेस मौजूद हैं जीमेल के, तो ये यहाँ पर तलाश करके इसको बआसानी वो ईमेल वो मैसेज भेज देगा। लेकिन दोस्तों दुनिया में सिर्फ जीमेल तो ईमेलिंग एप्लीकेशन नहीं है, बल्कि याहू, हॉटमेल और दूसरी तरह की भी ईमेलिंग एप्लीकेशंस मौजूद हैं। तो अगर आपका अकाउंट जीमेल पर बना हुआ है और आपको ईमेल सेंड करनी है अपने दोस्त को जिसका अकाउंट जीमेल पर नहीं है, उसका अकाउंट मान ले हॉटमेल पर उसका अकाउंट बना हुआ है, तो अब आप उसको किस तरह ईमेल भेजेंगे, क्योंकि जीमेल के सर्वर में तो सिर्फ और सिर्फ जीमेल के एड्रेसेस ही पड़े हैं। तो ऐसे में दोस्तों याद रखें, दुनिया में जितने भी ईमेल सर्वर्स हैं वो आपस में कनेक्ट हैं। फॉर एग्जांपल ये जीमेल का सर्वर है और ये हॉटमेल का सर्वर है, तो ये दोनों सर्वर्स भी आपस में कनेक्ट होंगे, और जैसे ही आपकी ईमेल आपके सर्वर के पास जाएगी और आपको वो ईमेल किसी और सर्वर के पास भेजनी है, यानी अभी आपको हॉटमेल के पास वो ईमेल भेजनी है, तो ये जो आपका सर्वर है ये आपकी ईमेल को ट्रांसफर कर देगा इस हॉटमेल के सर्वर पर। जैसे अभी आपकी ईमेल सबसे पहले जीमेल के पास जाएगी, फॉर एग्जांपल यहाँ आप भेज रहे हैं इसको जो कि एक हॉटमेल का सर्वर है, इसके आप देख सकते हैं यहाँ पर हॉटमेल भी लिखा हुआ है, तो ये आप अपने फ्रेंड को एक ईमेल भेजना चाहते हैं और उसका सर्वर है हॉटमेल, तो क्योंकि आपकी आईडी जीमेल पर बनी हुई है तो सबसे पहले आपकी ये जो एड्रेस है ये जीमेल के पास जाएगा। अब जीमेल ये देखेगा कि यहाँ पर जो है वो जीमेल नहीं लिखा हुआ है, यहाँ तो हॉटमेल लिखा हुआ है, यानी सर्वर का नाम जो है वो हॉटमेल है, तो वो कनेक्ट होगा हॉटमेल से, तो वो हॉटमेल को ये पूरी ईमेल भेज देगा। इसके बाद हॉटमेल अपने तमाम एड्रेसेस में से इस एड्रेस को तलाश करेगा, यानी आपके फ्रेंड के एड्रेस को तलाश करेगा, और तलाश करने के बाद उसकी नोटिफिकेशन सेंड कर देगा रिसीवर को, यानी आपके दोस्त को, और रिसीवर फिर उस ईमेल को हॉटमेल सर्वर से निकाल कर रीड कर लेगा। तो दोस्तों इस तरह ईमेलिंग सिस्टम काम करता है। अगर तो आप सेम सर्वर्स पर हैं तो ये आपकी इंफॉर्मेशन को इजीली, यानी यहाँ से इस जगह से इस सर्वर पर और सर्वर से आपके रिसीवर के कंप्यूटर तक भेज देगा। लेकिन अगर आप लोगों के सर्वर सेम नहीं है तो सबसे पहले ये आपके सर्वर पर जाएगी, फिर आपका सर्वर जो है इसको सेकंड सर्वर पर भेजेगा जिससे वो कनेक्ट होगा, और फिर उसके बाद वो जो दूसरा सर्वर है वो अपने सर्वर पर से उस ईमेल को तलाश करके रिसीवर को वो ईमेल सेंड कर देगा। तो दोस्तों ये पूरा तरीकेकार था कि ईमेल सिस्टम किस तरह से काम करता है। और डियर फ्रेंड्स, ईमेल्स के जरिए आप सिर्फ टेक्स्ट मैसेजेस को ही सेंड नहीं कर सकते, बल्कि ईमेल एक बहुत बड़ा फीचर अटैचमेंट का है जिसके जरिए आप पिक्चर्स, ऑडियोज, वीडियोस, फाइल्स, यानी हर किस्म के डेटा को फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर सेंड कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों याद रखिए, हर ईमेल सिस्टम में एक फिक्स साइज होता है जिसके जरिए आप एक वक्त में एक लिमिटेड साइज के डेटा को ही सेंड कर सकते हैं। जैसे एक फाइल 100 MB की है, लेकिन आपके ईमेल सिस्टम में आप एक ईमेल पर 50 MB का ही डेटा सेंड कर सकते हैं, तो आपकी 100 MB की फाइल इस तरह से सेंड नहीं होगी, विच मीन्स कि हर ईमेल सिस्टम में आप किसी लिमिटेड साइज के डेटा को ही सेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो हमने आपको बता दिया कि ईमेल सिस्टम काम कैसे करता है, लेकिन किसी भी ईमेल को सेंड या फिर रिसीव करने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है उसका ईमेल एड्रेस। और दोस्तों ये ईमेल एड्रेस होता क्या है, दोस्तों जब भी आप कोई ईमेल सेंड या फिर रिसीव करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको किसी भी ईमेल की वेबसाइट पर एक अकाउंट बनाना होता है, ये तो मैंने आपको पहले भी बता दिया है। और जैसे ही आप अपना अकाउंट बनाते हैं तो वो ईमेल सर्वर आपको एक यूनिक एड्रेस देता है, और यही वो एड्रेस है जिस पर आपको तमाम ईमेल्स मौसूल होंगी। और दोस्तों याद रखें, अगर उस ईमेल सर्वर में लाखों एड्रेसेस हैं तो तमाम एड्रेसेस एक दूसरे से मुख्तलिफ होंगे, और यही वो ईमेल एड्रेस है जहां आपको तमाम ईमेल्स मौसूल होंगी, यानी हर एक एड्रेस यूनिक होगा। अब आइए ये ईमेल एड्रेस का फॉर्मेट क्या होगा ये देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ जो फर्स्ट पार्ट है, जो पहला पार्ट है, वो कहलाता है यूजर नेम, जो कि आमतौर पर आप खुद सिलेक्ट करते हैं। आप जब अकाउंट बना रहे होते हैं तो ये यूजर नेम आप खुद से देते हैं। और सेकंड पार्ट कहलाता है डोमेन नेम, और दोस्तों डोमेन नेम में जो डॉट से पहले वाला हिस्सा है
ये जिस जगह आपने अकाउंट बनाया हुआ है ये उसका सर्वर नेम होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका अकाउंट जीमेल पर है तो उसका सर्वर नेम है जीमेल। अगर आपका अकाउंट हॉटमेल है तो यहाँ पर हॉटमेल लिखा हुआ होगा, यानी आपका जो जहाँ पर अकाउंट बना हुआ है उसका सर्वर नेम होगा। और डॉट के बाद वाला पार्ट कहलाता है एक्सटेंशन, जो कि बताता है कि ये जो सर्वर है ये किस टाइप का है। जैसे अगर .com है तो ये कमर्शियल यूज के लिए है, .edu है तो ये एजुकेशन यूज के लिए है, .gov है तो ये गवर्नमेंट यूज के लिए है। विच मीन्स के ये जो .com है, यानी ये जो एक्सटेंशन है, ये बताती है कि आपके सर्वर की टाइप क्या है, यानी आपका सर्वर किस काम के लिए यूज हो रहा है, कमर्शियल काम के लिए यूज हो रहा है, एजुकेशन के लिए यूज हो रहा है। और दोस्तों, यूजर नेम और डोमेन नेम को आपस में सेपरेट करने के लिए लगाया जाता है बीच में @ का सिंबल, इस तरह से। तो दोस्तों, अब यहाँ ये अब्दुल्ला यूजर नेम है, ये आप अपना अकाउंट बनाते वक्त खुद असाइन करेंगे। उसके बाद का जो पार्ट है वो सब जिस वेबसाइट पर आप अकाउंट बना रहे होते हैं वो सिलेक्ट करती है, यानी ये जो सिर्फ ये वाला पार्ट है @ से पहले वाला, ये आप देते हैं। बाकी तमाम पार्ट जो है ये जहां पर भी आप अकाउंट बना रहे होते हैं तो वो वेबसाइट खुद से इसको अटैच करती है। अब जैसे अगर आपने जीमेल पर अकाउंट बनाया है तो @ के बाद जीमेल होगा, अगर आपने याहू पर अकाउंट बनाया है तो @ के बाद याहू आएगा, यानी जिस भी वेबसाइट पर आप अपना अकाउंट बना रहे होंगे उसका सर्वर नेम होगा। और आखिर में .com, .edu, .gov, .net वगैरह ये कहलाएगी उस सर्वर की टाइप, कि वो सर्वर किस यूज के लिए है। और डियर फ्रेंड्स, आप दुनिया की का कोई भी ईमेल अकाउंट देख लें तो सबका फॉर्मेट इसी तरह से होगा कि पहले आएगा यूजर नेम और आखिर में आएगा डोमेन नेम। बस जो चेंजिंग होगी वो इस जीमेल और .com वगैरह की होगी, और यूजर नेम तो आप खुद ही असाइन करेंगे। तो दोस्तों, ईमेल्स के वैसे तो बहुत से फायदे हैं, लेकिन साथ के साथ इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं, इसके कुछ नुकसान भी हैं, क्योंकि दोस्तों किसी भी चीज के जितने फायदे होते हैं उसके कुछ ना कुछ तो नुकसान भी होते हैं। तो इसका जो पहला लिमिटेशन है वो है ईमेल इज नॉट नेसेसरीली प्राइवेट। दोस्तों, ये बहुत ज्यादा सिक्योर और प्राइवेट तरीके का नहीं है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जिसके पास भी आपका ईमेल एड्रेस मौजूद होगा वो आपको बआसानी ईमेल कर सकता है। तो इस तरह ईमेल एड्रेस के जरिए हैकिंग करना भी बहुत आसान होता है, इसीलिए ये बहुत ज्यादा सिक्योर तरीके का नहीं है। क्योंकि दोस्तों, ऐसा भी अक्सर होता है कि ईमेल्स के अंदर हैकर्स वायरस डाल के आपको सेंड कर देगा। अब आपके पास तो कोई भी ईमेल भेज सकता है जिसके पास भी आपका ईमेल एड्रेस होगा। तो इस तरह से अगर आपने उस ईमेल को डाउनलोड कर लिया तो वो वायरस आपके कंप्यूटर में भी आ सकता है। विच मीन्स कि ये बहुत ज्यादा इसके अंदर आपको प्राइवेसी नहीं मिल रही होती, ऐसा नहीं होता कि जो आपके कॉन्टेक्ट में लोग होंगे सिर्फ वही आपको ईमेल भेज सकते हैं, नहीं, बल्कि दुनिया में कोई भी शख्स जिसके पास भी आपका ईमेल एड्रेस मौजूद होगा वो आपको ईमेल भेज सकता है। इसके अलावा समटाइम्स ईमेल सिस्टम्स कैन सेंड और रिसीव टेक्स्ट फाइल्स ओनली, यानी कुछ ऐसे ईमेलिंग सिस्टम्स भी होते हैं जिनके अंदर आप ऑडियोज वीडियोज वगैरह को सेंड नहीं कर सकते बल्कि सिर्फ टेक्स्ट फाइल्स को ही सेंड कर सकते हैं। और दोस्तों, इट इज डिफिकल्ट टू एक्सप्रेस इमोशंस यूजिंग ईमेल्स। तो अगर दोस्तों कोई इस तरह का ईमेल सिस्टम है जिसके अंदर आप ऑडियोज को सेंड नहीं कर सकते, इमेजेस को सेंड नहीं कर सकते, वीडियोज को सेंड नहीं कर सकते, तो इस तरह के अगर ईमेलिंग सिस्टम में आप किसी से बात कर रहे हैं तो उसके जरिए आप फिर अपने इमोशंस को इजीली एक्सप्रेस नहीं कर सकते। आप अपनी हैप्पीनेस को, अपनी सैडनेस को बात करते हुए इजीली आप दूसरे बंदे को नहीं दिखा सकते। और दोस्तों, ये लास्ट पॉइंट देखिए, यू कैन रिसीव टू मच और अनवांटेड ईमेल्स विदाउट नोइंग दैट पर्सन। दोस्तों, याद रखिए, जिसके पास भी आपका ईमेल एड्रेस मौजूद है वो आपको ईमेल कर सकता है। अब वो काम की भी हो सकती है और बेकार भी। तो ऐसे में अगर आपके ईमेल बॉक्स में 1000 ईमेल्स आ गई हैं तो आपको तमाम ईमेल्स को रीड करने के बाद ही पता लगेगा कि कौन सी बेनिफिशियल है, कौन सी काम की है और कौन सी नहीं, जिसके लिए आपका बहुत सा वक्त जाया हो सकता है। विच मीन्स कि कभी कभार ऐसा भी होता है कि कोई आपको तंग करने के लिए अनवांटेड ईमेल्स आपको सेंड करता रहता है। अब आपको जब तक आप उसको रीड नहीं करेंगे आपको पता नहीं लगेगा कि वो ईमेल जो है वो आपके लिए बेनिफिशियल है भी या नहीं। और दूसरी बात ये कि विदाउट नोइंग दैट पर्सन, क्योंकि दोस्तों अक्सर ऐसा होता है कि ईमेल्स के अंदर जिसके पास भी आपका ईमेल एड्रेस होगा वो आपको ईमेल भेज सकता है, चाहे तो आप उस बंदे को जानते हो या नहीं भी जानते हो। तो दोस्तों, ये कुछ ईमेल्स की लिमिटेशंस थी। अगले लेक्चर में हम आपको न्यूज ग्रुप के टॉपिक से आगाह करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।